गुड मॉर्निंग। आज हम बर्डन ऑफ प्रूफ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 101 से 114A बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड प्रोविजन करता है। 101 सेक्शन एक जनरल रूल देता है, जिसका मतलब है कि सेक्शन 101 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन होम हु असर्ट। सेक्शन 101 प्रोवाइड जनरल रूल। जनरल रूल इज इन सिविल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्लेंटिफ एंड इन क्रिमिनल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। इसी तरह से 102 सेक्शन कहता है हु विल फेल, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पार्टी हु विल फेल। इसका अर्थ 102 जो है असल में पूरे एविडेंस एक्ट में वर्ड चाहे बर्डन ऑफ प्रूफ लिया गया है, मगर यहां पे 102 का जो अर्थ है वो ओनर्स ऑफ प्रूफ से लगाया जाता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ में क्या अंतर है। बर्डन ऑफ प्रूफ एविडेंस एक्ट में एक मेन सेंस के लिए यूज किया जाता है, उसका अर्थ है कि वो थ्रू आउट द केस बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन एंड इन सिविल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्लेंटिफ। दैट प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 101। 102 प्रोवाइड सेकेंड रूल, दैट रूल इज ऑनर्स ऑफ प्रूफ, मीन्स विच शिफ्ट, या कहना यह चाहते हैं कि 101 कहता है कि जब सारे केस में साबित करने का जो भार है वो प्रोसिक्यूशन पे रहता है क्रिमिनल में, और सिविल में रहता है प्लेंटिफ पे। और 102 में जो नियम बताया गया है उसका अर्थ है कि जो शिफ्ट होता रहता है, कभी वो अगर आप प्रोसिक्यूशन अपना केस एस्टेब्लिश कर देता है तो 102 कहता है कि आप क्या करेंगे, अब केस को अब डिफेंस की बारी है। तो 102 जो है वो इस बात का जवाब देता है कि केस को अब आगे कैसे बढ़ाएंगे, प्रोसिक्यूशन ने अपना काम कर दिया तो अब वो किसके ऊपर जिम्मेवारी आ गई है, 102 के हिसाब से वो डिफेंस साइड पे जिम्मेवारी आ गई है। 102 यहां पे मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि यहां 102 का ये अर्थ नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ही साबित करेगा। मान लो किसी केस में डिफेंस ने अब अपना डिफेंस प्रूव कर दिया तो अब फिर से प्रोसिक्यूशन की तरफ शिफ्ट हो गया बर्डन। तो 102 जो है इस वजह से कई सेंस में यूज किया जाता है जो कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ की तरफ इशारा करता है। 101 बर्डन ऑफ प्रूफ जनरल रूल की बात करता है, 102 जो है वो ऑनर्स ऑफ प्रूफ की बात करता है। इसी तरह से जब हम एविडेंस एक्ट में आगे बढ़ते हैं तो 103 सेक्शन कहता है पर्टिकुलर फैक्ट। पर्टिकुलर फैक्ट का अर्थ केस में जो पर्टिकुलर बात जिसने कही है साबित करने का भार भी उसी पार्टी के ऊपर आता है। अगर जैसे कि केस में सिविल केस है, प्लेट में जो बातें जिस साइड ने कही हैं अपनी अपनी बातें साबित करने का भार उसी पार्टी पे आएगा। एक जैसे कि एग्जांपल दूं यहां पे मैं, एक पार्टी कहती है जी दूसरी ने तो मेरे सामने एडमिशन किया था, ये बात तो उसने एडमिट की हुई है मेरे साथ, तो एडमिट साबित कौन करेगा, आप ही ने कहा, तो जो कहेगा 103 सेक्शन में ये बात कही गई है। अब आता हूं 104 सेक्शन प्रोविजन करता है कि जब कोई व्यक्ति अदालत में कोई सबूत देना चाहता है मगर वो जो सबूत है उसके लिए कुछ फैक्ट्स को साबित करना जरूरी है, तो जो बंदा अदालत में सबूत देना चाहता है और उसके लिए जरूरी फैक्ट्स को साबित करने का बर्डन उसी पार्टी के ऊपर होता है। 104 इसी बात का जवाब देता है कि जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि साफ अदालत को कहे कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है, वो उसे एडमिट करवाना चाहे, तो उसकी डेथ प्रूव करने का बर्डन उसी पार्टी के ऊपर होता है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति चाहे कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमने पढ़ा सेक्शन 64 ने कहा कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस, और साथ में कहा सेक्शन ने कि सेक्शन 65 के अगर सर्कमस्टांस आप प्रूव कर दें तो आप किसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट को के कंटेंट को सेकेंडरी एविडेंस से साबित कर सकते हैं, मगर अगर यहां पे साबित आप ही को करना पड़ेगा, उसी पार्टी को करना पड़ेगा जो पार्टी किसी दस्तावेज में लिखी बात को सेकेंडरी एविडेंस से साबित करना चाहती है, उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि 65 का कोई सर्कमस्टांस बन रहा है। तो इस तरह से 104 ने इस बात का प्रोविजन किया। 105 की बात करूं अब मैं, 105 जो है वो क्या बात करता है, 105 कहता है कि प्रूफ ऑफ एक्सेप्शन और डिफेंस।
इज ऑन accused. वो कहता है कि अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस एस्टेब्लिश कर देता है और अब बारी डिफेंस साइड की है, अगर डिफेंस साइड कोई डिफेंस लेना चाहती है कि जिस तरह से अगर पार्टी कहना चाहे कि व्यक्ति जो है उसने तो ये बात प्राइवेट डिफेंस में की है, या ये कहना चाहे कि अक्यूज के द्वारा क्या किया गया है, वो तो जी पागल है, वो तो जी एज को लेके या किसी भी इसी से इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी डिफेंस को अगर साबित करना चाहते हैं तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है 105 कहता है कि वो एक्यूज के ऊपर होगा. तो ये 105 था जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब अगर बात करें सेक्शन 106 की, तो 106 सेक्शन कहता है फैक्ट्स विच आर इन स्पेशल नॉलेज, जब जो फैक्ट्स किसी व्यक्ति की स्पेशल नॉलेज में है उसे साबित करने का बर्डन उस व्यक्ति के ऊपर ही होगा जो जो उस फैक्ट जिसकी जिसके पास स्पेशल नॉलेज है. एग्जांपल यहां पे एग्जांपल देना चाहूं, सेक्शन इटसेल्फ प्रोवाइड एक इलस्ट्रेशन में कहा गया है कि एक व्यक्ति अगर बिना टिकट के पकड़ा जाता है, उसने टिकट लिया था कि नहीं, ये किसकी नॉलेज में है, उसी व्यक्ति की नॉलेज में है, तो ये उसी को ही ये साबित करना पड़ेगा. इसी तरह से एक इलस्ट्रेशन और इस सेक्शन में दिया गया है कि अगर मान लीजिए रेलवे के इंजन से चिंगारी निकल के किसी के खेतों में घर में आग लगा देती है, तो उसमें यहां पे कि रेलवे की तरफ से नेग्लिजेंसी थी कि नहीं, तो ये कैसे प्रूव होगा, आग लग गई खेत को नुकसान हो गया. अब यहाँ पे सवाल है कि क्या रेलवे ने अपना इंजन का रखरखाव ठीक तरीके से किया था कि नहीं, ये रेलवे ही बता सकता है. यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूं अगर, तो मान जैसे कि किसी टीचर की अटेंडेंस और एब्सेंट का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास रहता है, अटेंडेंस और एब्सेंट का रिकॉर्ड जो है वो कॉलेज के पास रहता है, तो वो ये कॉलेज ही साबित करेगा कि उस दिन वो एब्सेंट था, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर किसकी कस्टडी में है, तो जिसकी स्पेशल नॉलेज में कोई इफेक्ट होता है. 106 सेक्शन कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है. अब अगर बात करूं 107 की, तो 107 सेक्शन क्या कहता है, 107 सेक्शन कहता है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ. 107 के मुताबिक जो व्यक्ति पिछले 30 साल से जिंदा था वो आज भी जिंदा है, जो कहता है कि उसकी डेथ हो गई, कानून कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पार्टी, जो कहता है कि वो मर चुका है. 107 ने क्या कहा, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, अगर आप ये साबित कर दे कि 20 साल पहले 28 साल पहले उसकी एक अखबार में कहीं जिससे उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव होती है कि वो कभी जिंदा था, तो यहां पे एक तरह की प्रिजम्पशन है. ये कौन सी प्रिजम्पशन है, शैल प्रिज्यूम. यहां पे लिखा गया है कि अगर अदालत को आप इस तरह से ये बात साबित कर दें कि वो कभी 28 साल 30 साल में कभी उसके जिंदा होने का कोई सबूत आपके पास है, तो अदालत ये प्रिज्यूम करेगी कि वो व्यक्ति आज भी जिंदा है, और जो कहता है कि वो मर गया तो बर्डन ऑफ प्रूफ, क्योंकि शैल प्रिज्यूम है जिसका रिबट्टल पॉसिबल है, दूसरी पार्टी जो है रिबट कर सकती है. इसी के आगे 108 सेक्शन जो है वो ये बात करता है कि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, वो कहता है कि 7 साल के अंदर अगर कोई व्यक्ति जिंदा होता, जिन लोगों को पता होता उन्होंने उसको नहीं देखा, उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो यहाँ पे जो 108 सेक्शन है असल में वो सिविल डेथ की बात करता है, कि यहाँ पे प्रिजम्पशन है एक कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि वो व्यक्ति अब मर चुका है. तो यहाँ पे ये बात समझिएगा कि अगर कोई कहे कि वो बंदा आज जिंदा है तो आप साबित कर सकते हैं, रिबट्टल पॉसिबल है, क्योंकि यहां पे कहा गया है कि जो पार्टी ये कहना चाहे, अगर किसी के मरने का को साबित करने की बात हो रही है, कोर्ट में जो इशू है वो है कि कोई व्यक्ति जिंदा है कि मर गया, और जो पार्टी उसे मर गया साबित करना चाहती है, वो अगर ये साबित कर पाए कि 7 साल पहले कहे कि ये देखो जी हमने उसके बारे में न्यूज़पेपर में ऐड, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, हमने अखबार में निकलवाया था, और उसके बाद से जहां वो जॉब करता था, जिस परिवार में वो रहता था, जिन मित्रों के बीच वो रहता था, उनकी गवाही के जरिए हम ये बात साबित कर सकते हैं कि वो व्यक्ति अब मर चुका है, कि उसके बारे में नहीं सुना हमने, तो सिविल डेथ. यहां प्रिजम्पशन है इस बात की, कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि वो व्यक्ति अब मर चुका है, जो कहता है कि वो जिंदा है वो साबित करे, रिबट्टल पॉसिबल है. तो 108 इस तरह से प्रोविजन करता है. तो अब बात करूं मैं 109 की. सेक्शन 109 जो है वो किसी खास रिलेशंस की बात करता है. वो कहता है कि कुछ खास तरह के रिलेशन होते हैं कि जो एक बार एस्टेब्लिश हो जाए तो लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं रिलेशन. दोज रिलेशंस आर, वो कौन से रिलेशंस हैं, वो कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर्स के रिलेशन,
लैंडलॉर्ड और टेनेंट के, कि कहता कानून कहता है कि अगर एक बार ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो अब ये साबित करना कि अब वो रिलेशन नहीं रहे उसी व्यक्ति पे है जो कहता है वो नहीं रहे, नहीं तो यहां कहा गया है इस सेक्शन के द्वारा कि उसके उन रिलेशन को आप एक बार प्रूव कर दीजिए कि हम लोग कभी पार्टनर थे, तो लॉ प्रिज्यूम करेगा कि आज भी पार्टनर है। या आप कहते हैं कि कभी प्रिंसिपल एजेंट थे, आज भी प्रिंसिपल एजेंट मानेगा। आप कहें कभी लैंडलॉर्ड टेनेंट थे, आज भी लैंडलॉर्ड टेनेंट है। जो कहता है कि अब वो नहीं रहे, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी के ऊपर है जो कहता है कि अब वो रिलेशन, दोज रिलेशन सीज, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पार्टी, रिलेशन सीज। 1109 इज देयर, देन 110 क्या कहता है गौर करिएगा, 110 सेक्शन कहता है अब आपका कि जो कब, गौर करिएगा 110 क्या कहता है, वो कहता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का पे काबिज है और दूसरी पार्टी कहती है कि अब वो क्या हो गया है, मेरी बात समझिएगा क्या कह रहा हूं 110 में, कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पे काबिज है और दूसरा व्यक्ति आके कहता है कि ये मालिक नहीं है साहब, मालिक तो मैं हूं, तो ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि ये साबित करने का बर्डन किसके ऊपर है, जो कहता है कि जो मालिक ये नहीं है जिसका कब्जा है। इससे एक बहुत बड़ा अर्थ ये लगता है कि ये प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। किस चीज की प्रिजम्पशन की बात कर रहा है, ये सेक्शन कह रहा है कि जो कब्जे में है साहब, कब्जा ही मलकियत का सबूत है, जिसके पास कब्जा है कानून ये अनुमान लगाता है, अदालत ये प्रिज्यूम करती है कि वही व्यक्ति मालिक है। जब कोई दूसरा बंदा कहता है कि जी मालिक ये नहीं है मैं हूं, तो कानून बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पे डालता है। इसीलिए 110 सेक्शन जो है ये इस एंगल से भी देखा जाता है कि ये क्या कह रहा है कि जो कब्जा है वो मलकियत का ही कहते हैं 9 पॉइंट है, आउट ऑफ 10 9 पॉइंट गिवन टू पोजेशन। जो जुरिस्प्रूडेंस में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो यहाँ पे यही बात 110 सेक्शन कहता है कि जो बंदा कब्जे में है वही मालिक है, जो कहता है ये मालिक नहीं है साबित करने का बर्डन उसी पे रहता है। 111 सेक्शन जो है यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वो कहता है कि प्रूफ ऑफ गुड फेथ। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा कि एक टॉपिक था आपका फ्री कंसेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसमें हम पढ़ते हैं व्हेन अनड्यू इन्फ्लुएंस इज देयर पार्टी यूजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस इट मींस इन दैट केस वन पार्टी इज इन बेटर पोजीशन। नाउ इफ एनीवन वांट टू प्रूव दैट फ्रॉड इज देयर, देन बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पार्टी हु असर्ट दैट फ्रॉड कमिटेड, हु सेड दैट कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोर्सन, then burden of proof lies on that party who assert that his consent is obtained by coercion, fraud. But position is different in case undue influence. When undue influence is there, burden of proof lies on that party who is in better position. Okay? Section 111 provide that burden of proof of good faith is on whom? Who is in a better position? Who take undue advantage? बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन, यानी कि ये 111 सेक्शन क्या कहता है कि जो पार्टी कहती है, जो पार्टी बेहतर पोजीशन में होती है उसे ही साबित करना पड़ता है कि उसके द्वारा अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया गया, यानी कि गुड फेथ जो है साबित करने का बर्डन किस पार्टी पे चला जाता है, जो बेहतर पोजीशन में है और जिसने कोई अनड्यू एडवांटेज उठाया है, कानून उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर हम इसको इस तरह से समझें कि 107 के बाद आप गौर करिए ज्यादा प्रिजम्पशन का एरिया शुरू हो गया, 107 ने कहा प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, 108 ने कहा प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, 109 ने कहा कुछ रिलेशन की एग्जिस्टेंस की प्रिजम्पशन अदालत कर रही है कि कभी थे आज भी हैं, 110 ने क्या कहा जिसके पास कब्जा है अदालत प्रिज्यूम करती है कि वही मालिक है, प्रिजम्पशन है वो भी प्रिजम्पशन के सेंस से। 111 ने भी क्या कहा आपको गुड फेथ, इट मींस कोर्ट यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी कुछ अदरवाइज क्या होता है, अगर मैंने कोर्जन किया, मैंने फ्रॉड किया, ठीक है जी, तो साबित किसे करना पड़ता है, जो पार्टी कहती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे साथ कोर्जन हुआ। मगर यहां पे जब अनड्यू इन्फ्लुएंस की बारी आती है बात उल्टी है, यहां पे साबित किसको करना पड़ता है, यहां पार्टी दूसरी को साबित करना पड़ता है जो बेहतर पोजीशन में। इसी तरह से अब बात करें अगर हम 112 सेक्शन पे आए तो 112 सेक्शन कहता है यहां पे लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड की बात करता है, यानी कि लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड का क्या मतलब है, यहां पे 112 सेक्शन कहता है कि शादी के दौरान जो बच्चे होते हैं यहां पे प्रिजम्पशन है कि वो लेजिटिमेट होते हैं, शादी टूट जाने के 280 डेज का टाइम दिया गया है, शादी के दौरान वो भी बच्चे जो है शादी टूटने के बाद भी अगर पैदा होते हैं और लड़की ने दोबारा शादी नहीं की है तो माना जाता है वो बच्चे लेजिटिमेट है।
यहां पे मैं थोड़ी सा आपको लॉ की डेवलपमेंट बताना चाहूंगा कि ये जो प्रेजम्पशन जब ये कानून बना था तब ये सिस्टम को कानून को साइंस को नहीं पता था कि कभी साइंस तरक्की कर लेगी और ये बता पाएगी कि जो बच्चा है बच्चे की लेजिटिमेसी बता पाएगी। तो अब डीएनए से इनसे अब पता किया जा सकता है, तो इसमें भी लॉ में चेंज आया है। ये जो कंक्लूसिव वाली बात है ना, अदालत ने इसे अब शैल प्रज्यूम में कर दिया, यानी कि इसका रिबट्टल जो है, इसके जो नेचर है उसे चेंज कर दिया गया है। तो हालांकि इस चीज को लेके मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एक एक सेक्शन की डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अब इसके बाद दो सेक्शन तीन छोटे छोटे रह गए, अब उसके बारे में भी पहले बात करें। हालांकि ये टॉपिक जो है एक छोटी वीडियो में नहीं आ सकते, तो उनके लिए अलग से डिटेल की जरूरत रहेगी। 113A के बारे में पहले बात करूं आपके साथ मैं। 113A सेक्शन जो है वो क्या कहता है आपका, अबेटमेंट टू सुसाइड की बात करता है। कहता है अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी कि शादी, ये बात इंडियन पिनल कोड में आपने पढ़ी कि जब शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ हो जाती है और उसके ऊपर क्रुएलिटी की गई थी, तो माना जाता है, ये प्रेजम्पशन है कि क्या प्रेज्यूम किया जाता है कि उसके साथ, उसकी जो अबेटमेंट टू सुसाइड का सेक्शन है, माना जाता है कि उन लोगों ने क्रुएलिटी की उसके साथ। ऐसे ही आपका जो सेक्शन है 113B जो है वो आपकी बात करता है डॉरी डेथ की। वो कहता है कि उसकी डेथ से थोड़ी देर पहले उसके साथ उससे क्या किया गया था, उसको डॉरी के लिए तंग किया गया। वो सेक्शन आईपीसी का जो सेक्शन है डॉरी डेथ का, उसमें ये बात डिस्कस की गई है। यहां तो सिर्फ हम प्रिजम्पशन की बात करते हैं, याद रखिएगा इस सेक्शन में शैल प्रज्यूम वर्ड यूज किया गया है, जबकि अबेटमेंट टू सुसाइड में मे प्रज्यूम। तो आप समझते हैं मे प्रज्यूम क्या होता है और शैल प्रज्यूम क्या होता है। शैल प्रज्यूम में जिसमें जज बाउंड है, कोर्ट बाउंड है ये प्रज्यूम करने के लिए, अगर दहेज के लिए तंग किया गया था और उसकी डेथ अननेचुरल डेथ हुई है, तो ये प्रिजम्पशन रहती है, अदालत प्रज्यूम कर सकती है तो कि उसने क्या किया है, डॉरी डेथ कॉज की है। यहां पे अब मैं एक आपका नेक्स्ट सेक्शन जो है 114 भी डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा सा। 114 सेक्शन जो है वो कहता है, मे प्रज्यूम की बात करता है, यहां पे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स की बात की गई है। सेक्शन 114 ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में कहता है कि कोर्ट जो है उसके बारे में क्या कर सकती है, प्रिजम्पशन ले सकती है। क्या प्रिजम्पशन, कि जैसे कि अगर चोरी होते ही किसी व्यक्ति के पास सामान बरामद हो गया, तो अदालत ये प्रिज्यूम कर सकती है कि उसने क्या किया है, या तो चोरी की है या जानते हुए, या तो उसने जानते हुए चोरी, या वो चोरी के सामान को डील करता है। चोरी होती ही जब कोई सामान किसी से बरामद होता है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है। तो इसी तरह से एक लास्ट क्लोज अब इसका रह गया 114A, वो रेप से रिलेटेड है। वो बाद का अमेंडमेंट है, वो क्या है, क्योंकि रेप केसेस जो है बहुत प्रूव नहीं हो पाते थे, तो इसके लिए 114A जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि कंसेंट जो थी उसकी, विक्टिम की नहीं थी, उसमें इस चीज की प्रिजम्पशन कही गई है, यानी कि आपको कंसेंट साबित करनी पड़ेगी। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा जब लड़के उसने कह दिया कि मेरी कंसेंट नहीं थी, तो कोर्ट मानेगा कि उसकी कंसेंट नहीं थी, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है दूसरी पार्टी पे चला जाता है। तो थैंक यू, और इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।